वर्ड में क्या होता है कि आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, साइज कर सकते, साइज वगैरह तो अभी हम नहीं देख रहे, पर और उसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट करवा सकते हैं, यानी कि उसे बोल्ड करवाना है, उसको अंडरलाइन, उसे इटैलिक करवाना है, तो ये सारे काम जो हैं हमारे पास, इनके लिए जो टैग्स हैं वो मौजूद होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टैग्स की मदद से ये सारे काम करवा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनकी मदद से हम क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ। जी मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप सबके पास नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास वही है कि जैसे हमारा अभी कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि हम सब ने अभी स्टार्ट किया, तो वो स्टेप्स अब डेली रिवाइज हुआ करेंगे। आपको याद हो जाएंगे कि हमने सबसे पहले तो जैम को, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और इसे क्या कर लेवा लेना है, इसे स्टार्ट करवा लेना है। सबसे पहला काम तो यह है ताकि ये स्टार्ट करके इसे हम क्या करवा दें, क्लोज कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेना है। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी पुरानी अपनी फाइल को एडिट करेंगे। अगर हम चाहें तो हम फाइल में जाके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर मैं ओपन फाइल करूँगा तो मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल को दोबारा से ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा फाइल बना दी तो उसे दोबारा हम ओपन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं यहीं से फाइल को ओपन करूँगा, यहाँ पे आ जाती है B3 मॉर्निंग वाली। B3 मॉर्निंग तो हमें नहीं चाहिए, हमें इवनिंग वाली चाहिए। इवनिंग के अंदर हमारे पास इंडेक्स पड़ी हुई है, इसी पे क्लिक करें और ओपन। ठीक है, ओपन कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइल्स वगैरह हैं ये सारी इसी तरह से ही रहा करेंगी, इसी तरह से ओपन करनी है हमने। इंडेक्स की फाइल होगी या कोई नई फाइल बनानी है तो वो भी हमें पता है कि कैसे कोई भी नई फाइल बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी तो मैं विंडोज़ पे ही जो है आपका लेक्चर डेली कंडक्ट कर रहा हूँ, कल भी विंडोज़ पे हुआ था, आज भी, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि विंडोज़ पे शायद ना लूँ लेक्चर। ठीक है, तो तब हमें ये, फिर तब वहाँ पे जाके आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर कैसे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसी नहीं है। तो आपको ये शुरू में बताने का मकसद ये है कि आप यहीं पे सीख लो कि फाइल बनती कैसे है। वहाँ पे भी फाइल ऐसी बनती है, बस उसका, उसकी जो चीज़ों को दिखाने की शक्ल है ना वो अलग है, उसकी अपेयरेंस थोड़ी डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ी सी अपेयरेंस डिफरेंट है, बट काम वही हो रहा होता है जो कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो तब फिर किसी ने दोबारा से परेशानी होने लग जाना कि सर ये पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, यही हमारा काम था। मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को जो है वो मिटा देता हूँ H1 के अंदर। और दूसरी चीज़ ये मैंने कहनी थी कि मैंने आप सबका जो है काम, जो भी आपने शेयर किया था प्रैक्टिस ग्रुप में, वो मैंने देखा था। इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करते रहें। ये जो काम मैं आपको देता हूँ ये फ़िलहाल सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है। जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो थोड़ी सी लेंथी भी होगी और थोड़ी सी बड़ी भी होगी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है कि डेली हम थोड़ा थोड़ा जो है प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जो आपको एक असाइनमेंट मिला करेगी, HTML की होगी, CSS की होगी, आगे चलते जाएं जैसे जैसे, उसे हमने क्या करना होगा, उसे मैं आपको यहाँ पे आपसे एज अ पिक्चर की फॉर्म में नहीं लूँगा चीज़ें, मैं आपसे LMS के ऊपर जो है चीज़ें रिसीव किया करूँगा। LMS जो आपका है वो अब सुबह तक सेक्शन बने हुए नहीं थे, मैंने अभी सेक्शंस वगैरह जो हैं वो क्रिएट करवा लिए हैं। देखें, सेक्शन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपका इवनिंग वालों का सेक्शन 2 होगा और मॉर्निंग वालों का सेक्शन 1 होगा, दोनों Batch 3 हैं। अभी तक रजिस्ट्रेशन आप लोगों की यहाँ पे नहीं की, जब तक आपके डॉक्यूमेंट सबके नहीं आ जाते, जो फाइनल स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर किया जाएगा। बाकी अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी थोड़े टाइम तक, क्योंकि हमें पता है ये चीज़। तो फिर क्या होगा, जो फाइनल स्टूडेंट्स हैं जो कि वाकई ही अपने लिए बेहतर सोचते हैं, उन्हें रजिस्टर किया जाएगा, तो वो अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो भेज सकेंगे। ठीक है,
तो ये भी एक अनाउंसमेंट थी जो कि आज जो है ना मुझे करनी थी। चलें जी वापस आ जाते हैं लेक्चर की तरफ के हमारे पास H1 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई भी हेडिंग HTML लेक्चर। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करना है अब डेली डेली, अब एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं हमें पता है कि वो स्टार्ट हो जाता है तो आप डायरेक्ट ही B3 मॉर्निंग पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले सिर्फ लोकल होस्ट लिखें फिर आगे जाएं। अच्छा जी B3 इवनिंग है जी हमारा, हम तो मॉर्निंग पे चले गए इवनिंग। मेक श्योर करें कि इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना हो, जो नाम आपके फोल्डर का है वही लिखा। HTML लेक्चर 2 हमारा आ गया है जो कि जिस पे भी हमने क्या करना है काम करना, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट की जो फॉर्मेट है ना, टेक्स्ट को जो फॉर्मेट देना है उसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो टैग्स हैं ना वो अवेलेबल होते हैं। आज हम टेक्स्ट को फॉर्मेट भी देखेंगे, उसके साथ साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कुछ टैग्स जो हैं उनका बिहेवियर अलग होता है और कुछ टैग्स का बिहेवियर अलग है। ये बिहेवियर क्यों अलग होता है ये भी हम देखेंगे और रीज़न क्या है ये भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के अंदर सबसे पहला आ जाता है कि किसी भी चीज़ को बोल्ड कर दिया जाए। तो जो B का टैग है अगर मैं इसे लिख दूँ बोल्ड टेक्स्ट, तो मुझे क्या पता लगेगा, ये बोल्ड करवा के चीज़ को शो करवाएगा। अब आप कहते हैं सर हमें तो पता नहीं लगा डिफरेंस, तो मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ आई एम पैराग्राफ। तो देखिए आई एम पैराग्राफ उतना बोल्ड नहीं है जितना ये B वाला टेक्स्ट बोल्ड है। तो ये हमारे पास क्या टेक्स्ट होता है, जब अगर कभी अपने वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ को बोल्ड करवाना है तो आपने उसे B के टैग के अंदर लिखवा देना, ठीक है। अंदर आपको पता है कंटेंट में कुछ भी लिखवाया जा सकता है और इसे जो है हम कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे बदल सकते हैं, जो भी बदलेंगे वो चीज़ बोल्ड हो जाएगी। अच्छा बोल्ड हमने करवा लिया, मैं ये पैराग्राफ रहने देता हूँ, बोल्ड के नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, इसे मैं कह देता हूँ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। और सेव करता हूँ, देखिए एक है बोल्ड टेक्स्ट एक है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, क्या आपको देखने से इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? फर्स्ट लेटर कैपिटल जी फर्स्ट लेटर कैपिटल है वो, ठीक है। उसके अलावा वैसे इसकी बोल्डनेस में या उसके अलावा कोई फर्क? सर बोल्ड थोड़ा नो सर, कम है सेम है ज्यादा। दोनों सर, सेम है सर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है जी। ये दोनों जो है ना इनकी जो आउटपुट मिलता है ना, जो इनका रिजल्ट मिलता है वो सेम ही मिलता है, दोनों चीज को बोल्ड कर रहे हैं। आप देखिए टैग दो हैं, दोनों का जो आउटपुट है ना वो एक तरह से सेम ही है। अब ये क्या चक्कर है ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, जो शुरू से HTML में एक टैग आ रहा था ना वो है बोल्ड का टैग, B वाला टैग जो है वो आता था। जैसे ही कुछ सालों पहले हमारे पास HTML5 आई, अब देखें जो भी चीज़ होती है ना डिजिटल वो अपडेट होती रहती है, वो ऐसे नहीं है कि वो जैसी शुरू में थी अभी तक वैसे हो। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल, क्या 5 साल पहले जैसी फेसबुक आप चलाते थे क्या आप भी फेसबुक वैसे है? नो सर। क्या व्हाट्सएप 5 साल पहले जैसा यूज करते थे अभी भी वैसा ही व्हाट्सएप है? नहीं, काफी नो सर। डिफरेंस है। नो सर। काफ़ी चेंज हो चुका है। अब आपके पास देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह ट्विटर पहले डिफरेंट था, इंस्टाग्राम पहले डिफरेंट था। इनमें क्या होती जाती है, चेंजेस जो हैं वो आती जाती हैं, पहले से ज़्यादा तेज़ होते जाते हैं, पहले से ज़्यादा सिक्योर होता जाता है। पहले तो फेसबुक आईडी, आज से अगर 7-8 साल पहले चले जाएँ तो हर दूसरे बंदे की फेसबुक आईडी हैक हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से चेंज हुई है, फंक्शनैलिटी परस्पेक्टिव से, उसकी आउटलुक के परस्पेक्टिव से चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। इसी तरह ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ना इसके अंदर भी चेंजेस वगैरह जो हैं आती रहती हैं, इसमें भी क्या हो जाती हैं चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है।
अब क्या है कि कभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं आता कि कोई अपडेट आई है और आप चलाना ही भूल गए। ऐसा होता है कि फेसबुक की कोई अपडेट आए और आप चलाना ही भूल जाए? ऐसा नहीं होता। इसी तरह ये भी नहीं सोचने लग जाना कि सर आज हम HTML सीख रहे हैं, कल को तो अपडेट आएगी तो ये बदल जाएगी। इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती चीज़ें। हाँ, उसके अंदर कुछ चीज़ें एडअप जो हैं वो हो जाती हैं। इसी तरह जब HTML 5 आई तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग का जो टैग है ना वो भी डाल दिया। बोल्ड का टैग बोल्ड को करवाने के लिए यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग का उन्होंने रीज़न ये दे दी, मुझे तो ऐसे ये रीज़न कोई समझ नहीं आती, पर उन्होंने ये चीज़ दी है कि स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो किसी चीज़ की स्ट्रॉन्गनेस को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा जी इसके ऊपर अगर माउस लेके आए? द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट्स कॉन्टेंट, कि ये किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस को सीरियसनेस को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और बी के ऊपर लेके जाएं तो द बी एलिमेंट रिप्रेजेंट अ स्पैन ऑफ टेक्स्ट विच अटेंशन इज बीइंग ड्रॉन, एक को अटेंशन के लिए है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस के लिए है, पर आउटपुट विजिटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे आयशा हैं, आयशा को नहीं पता कि ये टैग भी कोई चीज़ होती है, वो तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ने आई हैं, उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग भी वैसा है, उनके लिए तो बोल्ड भी वैसा ही है। ये सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा इसकी रीज़न चेंज की है, अदरवाइज आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डिवेलपर्स के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जो डिवेलपर है वो किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। आप अगर पता है आपको दोनों का फ़र्क तो आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह HTML 5 के अंदर जी मैं क्या कह रहा था कि इसीलिए HTML 5 के अंदर ये एक टैग ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग वाला, और भी काफ़ी टैग्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं, सेक्शंस वगैरह के अलग अलग टैग इंक्लूड कर दिए हैं, हेडर के फुटर के भी टैग्स आ गए हैं। इसके अलावा भी इसी तरह छोटे छोटे टैग्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि जो HTML 5 में उन्होंने नए ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या है बाकी इसकी एज सच कोई रीज़न नहीं है, बस ये है कि टैग एक अलग हो जाता है, रीज़न देखें इसकी अलग है और इसकी अलग है, पर बात कहीं ना कहीं एक ही आ जाती है, पर्पस विदाउट कन्वेइंग एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस एंड विद नो इम्प्लीकेशन। ठीक है जी, अच्छा तो ये हमारे पास दोनों टैग्स हैं। अब एक तो ये आपको पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग भी कुछ इसी तरह वर्क कर रहा है और बी भी, पर स्ट्रॉन्ग को ज़रा वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रीज़न है और बी को वो कह रहे हैं कि सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बीच में से पैराग्राफ वाला जो है वो मिटा दिया है, एक मिनट के लिए। मैं जब वापस आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि ये जो टैग है ये इसके साथ ऊपर चला गया, हालांकि अभी तक ये नीचे था, नीचे आ रहा था एक बार लाइन बाय लाइन, तो क्या हो गया ये इसके ऊपर चला गया। तो कोई मुझे इसकी रीज़न बताएगा कि ऐसा क्यों हो गया आखिर? एक मिनट, एक एक करके हैंड रेज करें ताकि मुझे सबकी समझ आ जाए। जी मुनज़्ज़ा साजिद सर, हमारे कुछ टैग इन लाइन होते हैं, कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो जो ब्लॉक टैग्स होते हैं ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बी हमारा टैग था, तो इस वजह से बी ने न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ था, तो जो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग था ना उन दोनों के दरमियान न्यू लाइन आ गई थी। जी ठीक है जी, और कोई रीज़न देना चाहते हो कि सर ये मुझे ऐसा लग रहा है? जी अभी आपका नाम ही नहीं मुझे पता लग रहा क्या है, BSIT मॉडल, क्योंकि एक ही टाइप के जी एक ही टाइप के, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं टैग्स, तभी इसीलिए एक लाइन में शो हो रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं, आप नाम भी बता दें अपना। अब्दुल रहमान सर। अब्दुल रहमान कहते हैं कि दोनों एक ही टाइप के हैं इसीलिए शो हो रहे हैं। जी उसके अलावा गेस्ट, जी मेहमान आप क्या कहते हैं? जी नाम अपने लिखा करें, देखिए बाकी सबके नाम शो हो रहे हैं, आपके नाम नहीं शो हो रहा।
अच्छा जी, आप लोग कुछ रीजंस और दें जी, और अगर कोई रीजन देना चाहता है तो दे सकते हैं। सर यार पहले उसमें पैराग्राफ था जी, और उसके बाद आपने लाइन ब्रेक नहीं की तो इसलिए वो एक ही लाइन में आ गया। तो पैराग्राफ में भी तो मैंने लाइन ब्रेक नहीं की थी, तब क्यों नई लाइन पे चला गया था? सर उसमें पहले आपने फिर पैराग्राफ डाल दिया था ना, पैराग्राफ का टैग आ गया था तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जाता। अच्छा आप कह रहे हैं कि पैराग्राफ का टैग डाल दिया था, पर अब नहीं डाला मैंने टैग, पर अभी भी मैंने इसे नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा है, फिर भी तो इसे नेक्स्ट लाइन पे ही आना चाहिए था, ये ऊपर चला गया। नो सर, ब्रेक लाइन जो टैग होता है बीआर का टैग, वो यूज नहीं किया आपने। तो वही मैं कह रहा हूँ, चले वो आप कहते हैं यूज नहीं किया, ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैंने एच वन और पैराग्राफ के दरमियान में भी तो बीआर का टैग नहीं ना यूज किया। मैं देख लेता हूँ क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे भी तो मैंने इन दोनों के पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट, पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। चलें जी ठीक है जी, और कोई रीजन देना चाहते हो सर? हमें ये लग रहा है यार रीजन, जी जी सायरा इकराम, जी सायरा इकराम, जी हैंड रेस करने के बाद अपना माइक फ़ौरन अनम्यूट कर लिया करें, आप लोग पता नहीं हैंड रेस करने के बाद सो जाते हैं कि पता नहीं सर चार दफ़ा कहेंगे तब जवाब देना है, या पहले देख लिया करें कि हमारा माइक चल रहा है, हम बोल सकते हैं तभी हम हैंड रेस करें, अगर नहीं बोल सकते तो हैंड ही ना रेस करें। जी आप सब लोगों ने कुछ कुछ रीज़न दी है जी, अपनी मुनज़्ज़ा ने एक रीज़न दी है, एक यासीन ने दी है, और एक जो है वो आपने दी, आपका नाम है फिर भूल गया, तो सबकी कुछ ना कुछ रीज़न थी। अब देखें अगर मैं देखूं तो ये भी एक टैग है, ये भी एक टैग है, ये चारों एक एक टैग है, मैं इन दोनों को लिखता हूं तो ये नई नई लाइन पे आ रहे हैं, पर जब मैं बी को लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग को लिखता हूं, इसी तरह मैं कुछ और टैग लिखूं, वो सारे एक लाइन पे आ रहे हैं, तो इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? हालांकि देखा जाए तो ये भी तो कुछ पैराग्राफ की तरह वाले टैग ही है ना, बी वाला या स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि ये भी तो सिंपल टेक्स्ट को ही शो करवाते हैं, वो अलग बात है कि थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, पर हैं तो किसी ना किसी टेक्सुअल फॉर्म के टैग्स ही, तो इन्हें इसी तरह बिहेव करना चाहिए था, पर पैराग्राफ अलग बिहेव करता है और जो बी है और जो स्ट्रॉन्ग है ये अलग तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर तो हमें इसे अलग करवाना है तो बिल्कुल हमें बी आर का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर यहाँ पर मकसद बी आर के टैग को डिस्कस करना नहीं है, मकसद यह है कि आखिर हम बाकी टैग से ये टैग आखिर डिफरेंट हो क्यों रहे हैं, उस रीज़न को जानना। तो रीज़न ये है जैसे कि मुनज़्ज़ा ने बताया, मुनज़्ज़ा की जो रीज़न है बिल्कुल ठीक थी कि हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक लेवल में और इन लाइन के अंदर क्या फ़र्क है, अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ तो ऐसे है कि जो ब्लॉक लेवल वाले होते हैं ना, ये ज़रा ज़िद्दी से होते हैं, ठीक है, ज़िद्दी होते हैं, नखरे वाले और इस तरह के जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं, वो टैग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ पे हम आ जाए ना, फिर हमने पूरी स्पेस लेनी है, इसके अंदर हेडिंग भी आ जाता है, इसके अंदर पैराग्राफ भी आ जाता है। ये देखें अब मैंने हेडिंग लिखा है ना, ठीक है, अब हेडिंग लिखा है, हेडिंग से आगे मैंने बी का टैग लगा दिया, तो बी का टैग ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला गया। इसी तरह मैं अगर इसके नीचे आऊं और यहाँ पे मैं एक पी का टैग दोबारा लगा देता हूँ, पैराग्राफ, तो देखिएगा पैराग्राफ इस स्ट्रॉन्ग के आगे नहीं आएगा, वो नई लाइन पे चला जाएगा। ये कहते हैं कि भाई हम जिस लाइन पे आएंगे ना, हमने वो पूरी लाइन ले ली है। किस तरह से मैं अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल अगर शक्ल दिखा सकूं तो मैं इंस्पेक्ट करता हूं, ये देखिए। अब देखिए क्या होता है,
मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आपको ये एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन, यस सर, यस सर, ये देखें, ये स्टार्ट से लेके एंड तक जा रही है, मतलब कि इन्होंने ये सारा एरिया कवर किया हुआ है। अब देखें पैराग्राफ के ऊपर लेके आता हूँ, फिर ब्लू लाइन है एंड तक, पर जब ये बेचारे शरीफ एलिमेंट जो हैं बोल्ड वाला और स्ट्रॉन्ग वाला इनके ऊपर लाता हूँ ना, तो बिल्कुल ब्लू लाइन पूरा एरिया नहीं कवर करती, सिर्फ जितने पे वो मौजूद है ना उतना एरिया कवर करती। ठीक है, एक मिनट मैं कॉल पिक कर लूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखें ये जो इनलाइन वाले होते हैं ना, ठीक है, दो तरह के हैं जैसे मैंने आपको बता दिया, एक है ब्लॉक वाले और एक है इनलाइन के अंदर। जो इनलाइन वाले हैं वो हैं बेचारे शरीफ, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं शरीफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ये इनलाइन और ब्लॉक, ठीक है, ये वाले शरीफ नहीं है, ये जिद्दी है, ये क्या कहेंगे कि जहाँ पे हम आएंगे ना हमने पूरा एरिया जो है कवर कर लेना है, बेशक आप इसके अंदर जो कंटेंट है छोटा सा डालें, और इनलाइन अगर इतना सा आया ना, बेशक उसका एरिया इतना है, तो वो इतनी ही जगह लेगा, आगे वाली जगह पे कभी भी कवर अप नहीं करेगा। आगे जाके हम इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को ज़बरदस्ती इनकी ये जो क्या कह सकते हैं कि ये जो एरिया कवर कर रहे हैं ना, इसे हम चेंज करवा सकते हैं, पर वो फीचर चला जाएगा सीएसएस के पास। सीएसएस क्या कर सकेगी इनके इन फीचर्स को, यानी कि इनके ये जो पूरा एरिया कवर कर रहे हैं इसको चेंज करवा के तब्दील भी करवा सकती है, पर यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं होता। बस आप लोगों ने ये डिफरेंस याद रखना है कि एच वन जो है, पी जो है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, हम करेंगे तो देख लेंगे कि कौन सा ब्लॉक लेवल है और कौन सा इनलाइन है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टैग आ जाता है, जैसे कि बीआर की बात हुई, तो बीआर का जो टैग है, इन तरह के टैग्स को हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हर टैग ऐसा होता है जिसके अंदर कोई कॉन्टेंट जाता है, ये देखें कॉन्टेंट कॉन्टेंट कॉन्टेंट, पर बीआर ऐसा टैग है इसके अंदर आप कोई कॉन्टेंट नहीं डाल सकते। अगर आपने लाइन को ब्रेक करवाना है तो आप ये वाला जो टैग है ना वो इस्तेमाल करो। देखिए अभी तक लाइन उनकी सिमिलर थी, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए लाइन ब्रेक हो गई है। ये कैसे हुआ, ये बीआर के टैग से हुआ। बीआर क्या करता है, लाइन ब्रेक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह के हमारे पास आगे मजीद टैग्स भी आएंगे, आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि इन टैग्स को एम्प्टी टैग्स कहा जाता है, जिनके अंदर कंटेंट नहीं जाता, ये अकेले ही होते हैं और इनके साथ क्लोजिंग भी कोई नहीं होती। अगर आप ऐसे क्लोजिंग करने लग जाओ तो इनके साथ क्लोजिंग नहीं करनी होती। देखिए मैंने क्लोजिंग किया तो उसने बॉडी वाली क्लोजिंग जो है वो कर दी थी, ये इस तरह से नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेक के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और टैग्स हैं, जैसे कि मैं दोबारा एक ब्रेक लगा लेता हूँ आई। अब ये जो आई का टैग्स है ना, ये टैग है, ये इटैलिक के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक फॉर्म में शिफ्ट करना हो, क्योंकि हमें पता है इटैलिक के अंदर क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी तिरछी होती हैं, अगर इटैलिक बिल्कुल थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास इटैलिक फॉर्म। अब इसी तरह से HTML5 के अंदर एक और टैग भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, वो है EM के नाम से।
ईएम पे उन्होंने कह दिया कि एम्फेसाइज को हम शो करवा देते हैं, ये क्या होगा? हालांकि देखा जाए तो दोनों के अंदर कोई ऐसा सच फर्क नहीं है, इटैलिक भी वही काम कर रहा है, ईएम भी वही काम कर रहा है, पर क्या है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेस एम्फेसाइज ऑफ इट्स कंटेंट, और आई में क्या आ जाता है, स्पैन अल्टरनेटिव वॉइस और मूड और अदरवाइज सेट वगैरह। बस इनका जो फर्क है ना वो रीजंस का है, जो उन्होंने रीजन दी हुई है, पर अगर देखा जाए तो यूजर को, जैसे आयशा है, आयशा को नहीं पता कि ये इटैलिक से लिखा हुआ है, ये एम्फेसाइज से। ये देखें, अगर मैं इसे ही इसी में इटैलिक लिख दूं, कोई भी पहचान नहीं सकता कि ऊपर वाला आई से लिखा हुआ है या नीचे वाला ईएम से लिखा हुआ है। ये सिर्फ डेवलपर को पता है कि ये इटैलिक है और ये क्या है, एम्फेसाइज। इसी तरह से बीआर लगा देता हूं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, वरना ये वाले जो सारे हम टैग्स देख रहे हैं ये इन लाइन आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अंडरलाइन। क्या कोई मुझे बताएगा अंडरलाइन के लिए क्या टैग यूज होता है? सर यू, यू लगा देते हैं जी अंडरलाइन। बिल्कुल जी, यू हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है किसके लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से HTML5 में इसका भी एक वेरिएंट आया है, वो मुझे आपने कल बताना है कि सर अंडरलाइन हम और किस टैग की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। यू के अलावा भी हमारे पास एक टैग होता है अंडरलाइन करने के लिए, आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि सर इस टैग से हम यू के अलावा अंडरलाइन कर सकते हैं। जी जोया, अगर आपको पता है आप भी कल बताइएगा ताकि सब लोग थोड़ा सर्च करके आए। नो सर, मैंने बताना नहीं सर, मैंने पूछना था कि हम लोग फिर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जी, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, पर ये चूंकि न्यू आए हैं तो ये इस्तेमाल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी, ईएम भी, पर अगर आप अपने मर्जी से यूज़ करना चाहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों सही वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ और टैग्स भी हैं जिनमें आ जाता है हमारे पास मार्क का एक टैग है। कोई बताएगा कि मार्क का टैग क्या करता होगा? सो हाईलाइट करता होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये क्या करवाता है, ये चीज को हाईलाइट करवा देता है कि जो भी आपने चीज लिखी है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करवाने के लिए, जैसे आप अपने बुक्स के ऊपर चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करवा देते हैं, इसी तरह अगर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी जगह को हाईलाइट करवाना है तो आप मार्क के टैग के अंदर उसे लिखवा दो, ठीक है जी। मार्क का टैग है, मार्क के टैग के बाद और भी टैग हमारे पास हैं जिनमें से अगर मैं कहूँ तो हमारे पास एक होता है डेल का टैग। कोई मुझे बताएगा डेल का टैग क्या करता होगा, किस तरह की आउटपुट देता होगा? सर डिलीट करता है। ठीक है, डिलीट करता है, पर आउटपुट कैसी नजर आती होगी? जी मुनज़्ज़ा सर, ऊपर लाइन लगी हुई होती होगी, लाइन लगी होती है इसके ऊपर ना, टैग्स पे लगे हुए, लिखे हुए टैग के ऊपर। बिल्कुल ठीक है जी। जुबैर सर, ये जो मार्क टैग है सर, मार्क टैग, इसका जो कलर है वो हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते? जी मार्क टैग का कलर हम ऐसे खुद डिसाइड नहीं कर सकते, पर वैसे आप किसी भी टेक्स्ट को खुद कोई कलर दे सकते हो बैकग्राउंड के लिए, किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, हेडिंग को, किसी को भी बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर दे सकते हो, पर वो CSS के अंदर आ जाती है चीज, दे जरूर सकेंगे हम, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से उसी चीज का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ हुआ है, ऐसा ही है ना, कि मार्क लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड का सारा कलर जो है वो येलो है, जहाँ जहाँ वो मौजूद है उसका कलर येलो है। इसने इतना एरिया कवर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इन लाइन एलिमेंट है, इसीलिए ये देखें इन लाइन एलिमेंट है, इसीलिए इसी इतना इतना हिस्सा जो है वो कलर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें वो कलर बता रहा है कि जिसका कलर जो है वो येलो है, ये देखें नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड FFFF00 नजर आ रहा है सबको? जी सर, श्योर है। ठीक है, तो ये बेसिकली
हमें मार्क लग रहा है कि चीज मार्क हुई हुई है, बट एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड कलर येलो हुआ है, और मार्क करने के लिए जो स्टैंडर्ड कलर होता है वो यही होता है, पर आप इस तरह का चेंज कर सकोगे बट CSS में जाके, ठीक है? ओके सर। उसके अलावा भी कोई आवाज आ रही थी मुझे किसी की, कोई क्वेश्चन था किसी का? अच्छा जी, डेल की बात कर लेते हैं, तो डिलीट टेक्स्ट जो है वो इस तरह टेक्स्ट के अंदर एक लाइन लगा देता है कि भाई जैसे हम लिखते लिखते कुछ चीज़ गलत लिख जाते हैं, हम उसके ऊपर ऐसे काट देते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक उसे बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं करते तब तक छोड़ते नहीं हैं, पर यूजली हम ऐसे एक लाइन लगा देते हैं कि भाई ये चीज़ कटी हुई है, ठीक है? तो वो डिलीट के लिए हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं डेल का टैग जो है वो यूज़ कर देते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि डेल के टैग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जी यासीन, आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सर यही मैं आपसे पूछने लगा था कि डेल के टैग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। यस सर, वो आप लोग, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि आप बताएं क्या है। सर, मैं अभी पूछने ही लगा था सर आपने। देखिए अभी क्लास सर, मुझे ये सवाल नहीं समझ आया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे, किस लिहाज से? जी कि प्रैक्टिकली हम कहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकेंगे। शायद आपने कहीं ना कहीं देखी हो ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सर सेल प्राइस हम डिफरेंट हम मार्क्स यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, उन पे भी लगा होता है ना ये। सर जब सेल लगती है प्राइस पे तो प्राइस कार्ड के नहीं प्राइस लिखते। बिल्कुल ठीक है जी, मुनज़्ज़ा ने भी यही बात बताई है, अली अशरफ ने भी, कि जब आपके पास चीज़ों पे सेल लग जाती है तो लिखा होता है 80 और 80 को कट किया होता है, 80 नहीं 90% ऑफ, या लिखा होता है 20 तो 20 को कट करके लिखा होता है 40 कि 20 नहीं अब 40% ऑफ जो है वो हो गया। तो उसके अंदर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है, और प्राइसेस वगैरह में भी आप देखोगे आगे जाके जब हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, ई कॉमर्स स्टोर जब हमने बनाना है, वो हमने बनाना तो वर्डप्रेस के अंदर है, पर वहाँ पे भी देखेंगे कि जब हम एक प्राइस डालते हैं फिर दूसरी डालते हैं सेल में तो क्या हो जाती है, पिछली प्राइस कट के जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होती है, मतलब कि ये पुरानी प्राइस थी, न्यू प्राइस अब है जो कि 2000 डिस्काउंट है या 500 रुपये डिस्काउंट है, ठीक है? तो ये वहाँ पर ये चीज़ जो है इस्तेमाल होती है। जी यासीन हैदर, जी यासीन हैदर, क्या क्वेश्चन आपका? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है बार-बार, तो आवाज आ रही है आपकी? जी जी आ रही है सर। जो टैग्स बताए आपने आई और ईएम, सर इसमें दोबारा बता दें, वो इशू था नेटवर्क का तो समझ नहीं। जी आई का जो टैग है वो इटैलिक करता है बेसिकली, ईएम का टैग भी उसको इटैलिक ही कर देता है, पर ईएम का जो टैग है वो बाद में HTML5 के साथ आया है, उन्होंने रीज़न ये दी है कि ये किसी चीज़ के ऊपर अगर जोर देना है ना, एम्फेसाइज करवाना है, उसके लिए हम ईएम जो है वो शो करवा देते हैं, ठीक है? ये अक्सर ऐसे होते हैं जब भी आप अपने कॉलेज का नेम लिख रहे होते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख रहे होते हो, या अपने एरिया का नाम लिख रहे होते हो, तो आप उसे इटैलिक में लिख देते हो, जिससे उस चीज़ पर थोड़ा सा हो जाए कि आप इस एरिया में या यहाँ से आपकी स्कूलिंग जो है वो हुई है। एज सच देखने में कोई फ़र्क नहीं है, बस उनके टैग्स जो हैं वो मुख्तलिफ उन्होंने कर दिए, ठीक है जी? उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है सर, ये भी तो एक चीज़ है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? ओके सर, अब देखें इसकी कोई लॉजिकल रीज़न जो है ना वो अवेलेबल होगी लाजमी। देखें जब उनकी दोनों के ऊपर मैं लेके जाता हूँ ना, इसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन अलग है, ठीक है? इस पे कहा जा रहा है कि एम्फेसाइज, पर अगर हम देखना चाहें ना तो विजुअल कोई भी फर्क है सच फील नहीं होता, बस यह है कि डेवलपर पर्सपेक्टिव से ये चीज़ डिफरेंट ज़रूर है कि अगर डेवलपर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग भी काम जो है वो कर सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव से इसका जो यूजेज है वो होता है, ठीक है जी? समारा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने डिलीट टेक्स्ट का बताया है, ये वेबसाइट्स में भी तो यूज़ हो सकता है ना, कि अक्सर वो मतलब साथ में ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके ऊपर वो डिलीट टेक्स्ट की तरह का वो बनाता है।
बिल्कुल यूज हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप बेशक अपना पूरा पैराग्राफ लिख के उसे डेल कर दें, ये तो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करेगा। वैसे एक जो जनरल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ, उसकी एक एग्जांपल दी है, उसके अलावा आप इस टैग को बेशक जहाँ मर्जी यूज़ करें, टोटली आपकी अपनी मर्जी। लेकिन सर जब हम पैराग्राफ्स के लिए इसे यूज करेंगे तो फिर उसका इंपैक्ट तो अच्छा नहीं ना होगा कि हमने वही पूरा का कह रहा पूरा हूँ, पैराग्राफ ही। लॉजिकली लॉजिकली सोच के ही करना है ना हमने, यस सर, करने को तो आप पूरी वेबसाइट को कर दें डेल, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बट करना सोच के। लेकिन ये इसका जब एक चीज बहुत प्लेन आ रही है ना, एक पैराग्राफ बहुत प्लेन लिखा हुआ है, और कोई अगर चीज हम हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं तो वो भी हाईलाइट कर सकते हैं कि इस चीज मना करना चाहें, जैसे कि एक ही कोई हम ऐसे पैराग्राफ में चीज लिख रहे हैं जिस पे हम कोई भी चीज कह रहे हैं कि हाँ ये आप करें, लेकिन जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना करें, तो जब हम ये करेंगे ना कि क्रॉस लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो हाईलाइट हो जाएगी और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी नजर जाएगी पढ़ने वाले की। इसी तरह से है कि आप इन सब चीजों को जैसे चाहें, जहां चाहें, जब भी चाहें, आपकी मर्जी होगी, इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से हेडिंग है, अब हर जगह आप HTML लेक्चर 2 की हेडिंग तो नहीं ना देंगे, हो सकता है आपने हेयर फॉल सॉल्यूशन की हेडिंग देनी हो, बेस्ट लैपटॉप की हेडिंग देनी हो, तो जहां भी आपने जो भी देनी है वो आपकी मर्जी होगी, आप इन टैग्स को अपनी मर्जी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मॉल का टैग। जो स्मॉल का टैग है वो क्या करता है, बाकियों की निस्बत उसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर देता है। देखिए ऊपर वाले थोड़े से फॉन्ट साइजेस बड़े हैं, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, याद रहे मैंने जूम किया हुआ है। ऐसा नहीं हो कि आप अपने पास जाएं और ये चीज़ें इतनी इतनी नज़र आ रही हो तो आप कहें कि सर सर आप तो हमें कुछ और दिखाते हैं, हमें तो कुछ और नज़र आता है। एक्चुअल जो स्क्रीन साइज है वो 100 होता है, मैंने थोड़ा जूम इसलिए किया हुआ है ताकि आपको ज़रा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे होता ये 100% पे है, मैंने थोड़ा सा इस स्क्रीन को जूम किया हुआ होता है, तो ऐसा ना हो जाके आप चेक करें और कहें कि सर ये तो चीज़ ऐसे आती ही नहीं है। तो स्मॉल में भी इसी तरह से किसी चीज़ को थोड़ा छोटा करना है तो आप उसे क्या करवा सकते हो, थोड़ा सा छोटा करके शो करवा सकते। इसी के साथ साथ हमारे पास अगर मैथमेटिकल फार्मूलाज शो करवाने हैं उसे भी हम शो करवा सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए हमारे पास SUP का टैग है और SUB का टैग है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। मुझे कोई बताएगा कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है? जी यासीन हैदर। या सर, सुपर स्क्रिप्ट जो वो पावर में लिख देता है ऊपर, और सब जो वो बेस बना देता है उसको, बिल्कुल ठीक बताया कि सुपर स्क्रिप्ट उसकी पावर आवाज में आ रही है चीज़ों आपको? को, जी जी बिल्कुल आ गई है यासीन, कि सुपर उसकी पावर में ले जाता है और सब जो है वो उसकी ओके बेस सर, में ले जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। मैं इसी तरह लिख लेता हूँ एक्स और SUB और मैं लिख लेता हूँ। मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखें एक SUP जो है वो सुपर में ले गया और SUB जो है वो बेस में ले गया। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह लिखने की, आप लिख सकते हैं, आप चीज़ों को ऐड अप करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के थे। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी टैग्स थे जो पहले इस्तेमाल होते थे, बंद हो गए हैं, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ ब्राउज़र उन्हें सपोर्ट कर जाते हैं पर वो इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थे, बाकी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज आएंगी CSS के साथ, उधर हम उन्हें टैग्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रॉपर्टी। और वो कहाँ से आएंगी, वो CSS को जब हम पढ़ेंगे उसके साथ हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को और किन किन तरीकों से शो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास कुछ बेसिक थे, इसके अलावा भी होते हैं, आप बेशक इसे नोट कर लें, इसकी पिक्चर ले लें, अपने पास इसे रखना चाहें रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कमेंट्स का। कमेंट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कमेंट क्या होता है, फेसबुक वाला नहीं उसके अलावा? जी मनाहिल उमर,
सर जो हमने मतलब जो टैग्स वगैरह हमने यूज किए हैं उनके साथ साथ उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी ज़ोया इसहाक जी बिल्कुल मनाहिल ठीक है आपने जी। जुबैर जफर आप क्या कहते हैं? सर वही बात है जो भी हम पहले आपने बताया था कि वो ऊपर जो डेवलपर्स ने जिस तरह डिस्क्रिप्शन की होती है ना ताकि वो हमारी फाइल जब कोई दोबारा दूसरी बार इस्तेमाल करे तो उसे समझ में आ जाए कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ है ये टैग वगैरह कमेंट देकर उसकी डिस्क्रिप्शन ही होगी ना। जी बिल्कुल ठीक है। अब कॉमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हर जी अपने काम को एक्सप्लेन करना बिल्कुल ठीक है। आप सब लोगों की जो रीजन आप दे रहे हैं सारी उसकी रीजंस हो सकती हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसा कोड होता है जी जी यासीन सर कमेंट्स जो आउटपुट में शो नहीं होते और जो डेवलपर अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि ये हमारा कोड इधर लिखा हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है। कमेंट्स वही बात मैं करने लगा था कि हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो ऐसा कोड होता है जो कि यूज़र को नज़र नहीं आता और जो कमेंट्स होते हैं हर लैंग्वेज में होते हैं। आगे हम CSS करेंगे, आगे हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, PHP करेंगे, सब के अंदर कमेंट्स होते हैं पर क्या होते हैं वो यूज़र को नज़र नहीं आते। अब किस तरह से यहाँ पर कॉमेंट लिखने का एक सेंटेक्स होता है वो क्या है? वो है इस तरह से कि आपने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है और इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे आप हाइफन कह सकते हो, डैश कह सकते हो, जब लिखोगे तो आपके पास कमेंट्स आ जाए। यहाँ पे आप कोई भी अपना कमेंट है वो ऐड कर सकते हो। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने रीजंस बताई, मैं आपको एक दफ़ा फाइनल रीजंस बता देता हूँ। जी समारा क्या कहना चाहती हैं आप? सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमने वो सब की डाला है कोड डाला है और उसके बाद हमने स्मॉल नहीं पहले अभी सब का बताती हूँ कि जब वो सब का डाला है कोड उसमें मेरी स्पेस आ रही है, मतलब कि जब वो उधर वेब पे मैं कर रही हूँ ना देख रही हूँ तो उसमें स्पेस आ रही है, मतलब टेक्स्ट एक सीक्वेंस के साथ बाकी ऊपर वाले सारे सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं लेकिन ये सब वाला बहुत स्पेस ले रहा है बीच में। सर जैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना हर एक चीज के, बोल्ड का आ रहा है और उसके नीचे फिर स्ट्रॉन्ग का आ रहा है और फिर उसके नीचे सारा वो इटैलिक का आ रहा है तो वो एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं नीचे 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 तो, लेकिन ये जो सब का है ना ये दो स्पेस ले रहा है, मतलब दो जगह ले के नीचे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखें आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज कर रही हैं? यस सर। ये जो होता है ना कुछ चीज़ें ये ब्राउज़र के हिसाब से वेरी करती हैं। अब जैसे आप लोगों ने मार्क किया ना, आप कुछ ब्राउज़र्स पे देखेंगे तो ये ग्रेइश कलर का मार्क करता है, मार्कर टैग यूज़ करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश कर देगा, जैसे पूरी स्क्रीन वाइट है ग्रेइश। तो हमारे पास जो टैग्स होते हैं ना वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी सी अपनी जो आउटपुट है ना चेंज कर लेते हैं। इसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि सब का जो टैग है इसीलिए वहां पे क्या ले रहा है, थोड़ी सी जो स्पेस है वो ले रहा है। ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं कि यहां से इधर आगे शो कर रहा है, इधर इसी तरह हो रहा है? नहीं नहीं, जैसे आपका ये X2 बिल्कुल स्मॉल टेक्स्ट के नीचे आया है ना, इस तरह नहीं है, वो दो स्पेस खाली नीचे खाली होके नीचे आ रहा है। तो फिर आप देखें कि आपने लाइन ब्रेक तो नहीं दो दफा डाल दिया? नहीं सर, ब्रेक नहीं डाला, फिर भी ब्रेक डालूं फिर भी ऐसा ही है। जी वो इसी तरह से होगा कि हमारे पास कुछ टैग्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। आप ऐसा करें उसकी तस्वीर लें और साथ में अपने कोड की भी पिक्चर लें, वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको देख के बताऊंगा। बट जो मेजर रीज़न थी वो मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर टैग्स थोड़ा थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम के अलावा आप किसी और पर यूज़ करोगे तो थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो बदल सकते हैं। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने ये स्मॉल का टैग बताया इसमें, और अगर हम मतलब टैग्स हम स्मॉल लिखना चाह रहे हैं तो उसमें हम
H6 या H5 या जो भी जितना भी हम करना चाह रहे हैं उसमें भी तो लिख सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखें वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है चीज़, और उसके अंदर चीज़ थोड़ी सी बोल्ड भी हो जाती है। यहाँ पे बोल्ड नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ वैसे ही स्मॉल हो रही है, पर ये वाली बोल्ड होती है। बेशक आप H6 तक चली जाएं, थोड़ा सा बोल्डनेस जो है उसमें रहती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पैराग्राफ होता है ना, हम पैराग्राफ का साइज़ भी बदल सकते हैं। हम स्मॉल का टैग कभी यूज़ ही ना करें, हम CSS की मदद से भी साइज़ बदलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास कमेंट्स। अब कमेंट जो है, कमेंट के बारे में मैं ये बात कह रहा था कि हमारे पास कमेंट्स हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। इसकी जो जनरल रीजंस हैं वो कोई 3 से 4 हैं जो कि हमें पता होनी ज़रूरी है। आज मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा, और हर दफ़ा जब हम कमेंट किया करेंगे तो आप मुझे रीजंस बताया करेंगे कि सर इसलिए हम कमेंट जो है वो इस्तेमाल करते थे। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि इससे क्या होता है, हमारा कोड जो है नीट हो जाता है, और रीज़न पता लगती है कि हमारा जो कोड है वो आखिर हम लिख किस वजह से रहे हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, देखिए बेसिक सीखते सीखते 40 लाइंस ऑफ कोड हो गई हैं, देखिए 43 लाइंस ऑफ कोड है। पर जब आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे होगे तो यही लाइंस आपकी, मैं कहता हूँ कि 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, और 5000 भी तक भी ये लाइंस जा सकती हैं। क्योंकि हमने पूरा पेज डिज़ाइन करना है तो हमारी ये जो लाइंस ऑफ कोड हैं ये बेतहाशा हो सकती हैं। तो जब आपकी अगर 2000 लाइंस ऑफ कोड हैं या 4000 लाइंस ऑफ कोड हो गई हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपने किस मकसद के लिए जो है वो क्रिएट की थी? आप तो भूल जाएंगे जब आपका कोड जो है कॉम्प्लेक्स होगा, और आप तो सारी चीज़ें क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो सेक्शंस में बनेगी। आगे जाके हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को सेक्शन बाय सेक्शन बनाएंगे। तो आप किस तरह से लिख सकते हो, आप किसी भी पैराग्राफ के लिए, किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी जगह के लिए लिख सकते हो कि जो है पैराग्राफ फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हो, आप 4 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, दूसरा आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का है, तीसरा आपकी हॉबीज का है, और चौथा आपके एकेडमिक अवार्ड्स का है कि जो आपने एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो लिए। आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर जहाँ जहाँ तक आपका पैराग्राफ रहेगा ना वही वाला, उसी के लिए आप ये कर लेना कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ तक रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एंड हो जाएगा। अब अगर कल को आके आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस कर रही हैं, जैसे कि आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो वो आप क्या कर सकोगे, वो आप यहाँ पे आके लिखवा सकेंगे। जी हामिद और उर्वा, मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन जो है वो लेता हूँ। जैसे यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, तो कल को जब आप आते हो, आप कंट्रोल एफ करते हो और आप लिखोगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, या आप पैराग्राफ फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप सर्च भी कर सकोगे बासानी, प्लस आपको पढ़ने से भी नज़र आ जाएगा कि ये पैराग्राफ इस काम के लिए मैंने बनाया था। और कल को जाके हमारा जब काम बनना है ना सेक्शंस के अंदर, तो सेक्शन कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ। ऐसे बनेगा, देखिए एक पूरा पेज है आपका, ठीक है, इसके अंदर ये मेरे माउस पैड खुद ही घूम रहा है, एक सेक्शन, फिर ये दूसरा सेक्शन, फिर इसके अंदर हो सकता है एक, फिर इसके अंदर दो, फिर इसके अंदर एक पूरा, फिर एक इस तरह से, इस तरह से। तो आप बहुत ज़्यादा सेक्शन बनाओगे, सेक्शन बनाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो जब जब आप कोड का आप कमेंट नहीं लिखोगे, आप भूल जाओगे कि ये सेक्शन कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था। अगर आप सेक्शन बना रहे हो अपना सर्विसेज के लिए, साइड बार के लिए, हेडर के लिए, फुटर के लिए, आप क्या करोगे, वो चीज़ मेंशन करते जाओगे कि सेक्शन और हेडर स्टार्ट, ठीक है। इसी को बेशक कॉपी करो, जहाँ तक वो सेक्शन है उसका कोड यहाँ पे लिख लो एंड।
देखें इसकी आउटपुट आपको ब्राउजर पे नजर नहीं आ रही, कहीं भी नजर नहीं आ रही कि आपने कुछ लिखा हुआ, पर कोड में वो चीज आ गई है, ये देखें। तो ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दूसरा फायदा क्या होता है कि इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कोड की, कि कोई भी दूसरा इंसान, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि हम दो लोग या तीन लोग या डेवलपर्स मिल के काम कर रहे हैं, जैसे जोया इसाक है और आयशा जो है एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, एक पे जोया बना रही हैं, एक पे आयशा बना रही हैं, ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं पर आयशा कमेंट नहीं देती, तो जोया को समझ ही नहीं आएगी कि आयशा ने ये एरिया कौन सा बनाया, ये सेक्शन कौन सा बनाया, ये कोड क्यों लिखा है। अगर आयशा ने कमेंट दिए होंगे तो जोया फौरन समझ जाएंगी कि ये अच्छा इसके लिए ये सेक्शन है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है कि ये चीज़ जब आप किसी को काम करके दोगे तो ये प्रोफेशनलिज्म में आती है कि आपने कमेंट्स को यूज़ किया है कि नहीं किया, ठीक है। और वही बात आ जाती है कि ये हमें आउटपुट में नज़र नहीं आते, अपनी आसानी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, दूसरों के लिए जो कि डेवलपर है हमारे साथ, तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको एक लाइव इंसिडेंट बताता हूँ। इसी तरह से कुछ साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि एक पेज बना के देना था। मैंने जब वो पेज इसी तरह से गंदा गंदा कोड करके उसे दे दिया तो जो मुझे ऑर्डर देने वाला था वो भी एक डेवलपर था, उसके पास टाइम की कमी थी इसीलिए उसने आउटसोर्स कर दिया था, मुझे ऑर्डर दे दिया था। जब मैंने उसे डिलीवर किया तो उसने कहा मैंने आपका कोड देखा, मुझे लग रहा है कि आप न्यू डेवलपर जो है ना बने हो। तो मैंने कहा जी इसी तरह से है, मैंने उसे कहा, क्योंकि वो खुद भी एक डेवलपर था, उसने मुझे समझाया कि इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और उसके साथ साथ उसने कहा कि जब मैं अपनी वेबसाइट लाइव कर दूंगा और चीज़ें कर दूंगा कुछ ना कुछ ठीक, तो फिर आप एक दफ़ा देखना कि चीज़ें ऐसे जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है। तो उसने मुझे समझा के भी गया, बेशक रेटिंग वगैरह उसने मुझे अच्छी दी थी, प्लस क्या किया था, एक एडवाइस भी दी थी कि ये चीज़ बैड मैनर्स में आती है, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आप लोगों को भी ये काम शुरू में थोड़ा हेक्टिक ज़रूर लगेगा, बट मेक श्योर करना है कि आप कमेंट्स की आदत डाल लें। जितनी ज़्यादा आदत डालेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा कि आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जी हामिद सर, जो ये विजुअल स्टूडियो है ना, इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, जो आप पे आपने कमेंट वगैरह लिखे हैं, थोड़ी कोडिंग की समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं जूम कर देता हूँ जी। जी अब बताएं, अब नज़र आ रहा है ठीक से? ये जी, उसके बाद उर्वा जी। उर्वा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने ये जो सब और सुपर वाला बताया ना, ये एक बार लेक्चर के बाद रिपीट कर दे, मेरा नेट ना उस टाइम इशू कर रहा था। जी मैं एक दफ़ा ना रिपीट आपको करवा दूंगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सिर्फ एक जो है, मुझे ये बताएं कि कमेंट्स जो हैं वो क्यों लिखते हैं, इसकी रीजन समझ आ गई आप सबको? यस सर। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में भी करेंगे रीज़न यही रहेगी कि कोई भी अगर दूसरा पढ़े या हम ही अगर बाद में पढ़ें तो हमें भी समझ आ जाए। क्योंकि आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों ने आगे जाके ऐसा चल रहा है, क्योंकि आगे हमारे पास अभी तो ये स्टैटिक सी चीज़ें चल रही हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वेरिएबल भी आ जाएंगे। आप दो दिन बाद आओगे, आप भूले होगे कि ये वेरिएबल किस रीज़न के लिए बनाया था। वो रीज़न याद रखने के लिए हमें उसका नाम भी अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, प्लस साथ में कॉमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि हम अच्छे से समझ जाएँ कि ये चीज़ कैसे क्यों लिखी थी, किस रीज़न के लिए लिखी थी। जी जोया। सर ये जो आपने कमेंट में सर स्टार्ट में दो डैशेस डाली हैं और लास्ट पे दो डैशेस डाली हैं, अगर सर इसमें हम लोग ज़्यादा भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये क्रिएट करेगा कमेंट में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए मैंने ज़्यादा भी कर लिया, कोई इशू नहीं है, पर कम नहीं करनी। दो दो का उसका अपना, दो के अंदर वाले सारे हिस्से को वो एज अ कमेंट ले रहा होता है, बेशक आप इसके अंदर यहाँ पर डाल दें, वो इसके अंदर वाले सारे हिस्से को एज अ कमेंट डील करवाता है, ठीक है, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये वाला सारे टैग्स बेशक आप एक दफ़ा देख लें, बेशक लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसे बाद में भी जो है ना प्रैक्टिस कर सकें।
मैं इन्हें मिटाने दूँगा, आपके साथ नोट डाउन किया तो वो लिखे हुए हैं। ठीक है जी, क्या कर दिया, एक मिनट के लिए मिटा दिया। अब हमारे पास क्या होता है, अगली चीज़ पे जाते हैं। अगली पीस चीज़ पे जाने के लिए सिर्फ एक मिनट मुझे दें, मैं जो है पानी ले आऊँ, मेरा पानी ख़त्म हो गया, एक मिनट। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर आ रही है। अच्छा जी, इसके अलावा yes, हमारे पास जो कमिंग टॉपिक है वो है जी हाइपरलिंक। कि हाइपरलिंक अब बड़ी डिस्कशन हुई है दो तीन दिन हमारी हाइपरलिंक पे ही। आज हम देखेंगे कि वो जो हाइपरलिंक पे डिस्कशन की थी आखिर वो खुद से कैसे क्रिएट किया जाता है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कैसे बनता है। उसकी तरफ जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूट क्या है, जैसे हमने टैग देखे, हमने कहा कि हमारे पास टैग का जो फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसे सिंटैक्स कहा जाता है, एलिमेंट नेम कंटेंट एलिमेंट, ये मेरे पास एक फार्मूला था, एक सेंटेक्स था कि किसी भी टैग को ऐसे लिखा जा सकता है सिवाय एम्प्टी टैग्स के, क्योंकि उन्हें लिखने के लिए एक ही टैग तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये था। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एट्रीब्यूट का। पहले तो ये समझते हैं कि एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, वो किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड अप करवा देती है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो ऐड अप करवा देती है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसी होती हैं जो कि टैग्स के साथ इस्तेमाल करना मैंडेटरी होता है। जैसे अभी हमने खाली टैग यूज़ किए, एच वन पी बी का, आई का टैग हमने यूज़ किया, स्मॉल का, इनके साथ कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं था, खाली टैग भी काम कर रहे थे। पर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके साथ एट्रीब्यूट अगर ना लगे तो वो फिर अपना प्रॉपर मकसद पूरा नहीं करते। और कुछ एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल होती हैं जो अगर लगा लो तो फ़ायदा दे देंगी, अगर नहीं लगाओ तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा कि लगानी है या नहीं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, वो हमारे पे चॉइस होगी कि हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। उसे लिखने का तरीका क्या होगा, हमारे पास एट्रीब्यूट नेम इक्वल का साइन कोटेशन मार्क राजू की वैल्यू। अब इसे मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे को मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका एलिमेंट का नाम, फिर उसकी एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू कोटेशन मार्क और अंदर उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है किसी भी एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका। एट्रीब्यूट एक भी हो सकती है, एक ही टैग की एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है,
अब ये चीज़ हमने देखनी है कि हम अपना जो आपका टैग पढ़ने लगे हैं, जो नया टैग पढ़ेंगे उसके अंदर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती है कि कुछ मैंडेटरी हैं कुछ ऑप्शनल हैं। इसी के अंदर मैं दोनों एग्जांपल्स कवर कर लूँगा, मैंडेटरी वाली भी और ऑप्शनल वाली भी। अब हाइपरलिंक हम बनाने लगे हैं। हाइपरलिंक को बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है ए का टैग। अब अभी तक जो हमने टैग यूज़ किए हैं, हेडिंग एच से था, पैराग्राफ पी से था, बोल्ड बी से था, इटैलिक आई से था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हाइपरलिंक तो एच से होता है, इसका टैग ए से है, ऐसा क्यों? इस ए का मतलब होता है एंकर। इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इस टैग को एंकर टैग कहा जाता है। अगर हमने हाइपरलिंक जनरेट करना हो तो हम एंकर टैग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं गूगल पे यहाँ पे आके लिखूँ एंकर, एंकर हमारे पास कौन सा आ जाता है? वो वाले आ जाते हैं जो कि चीज़ें होस्ट करते हैं। उसके साथ साथ एक एंकर ये भी होता है हमारे पास जो कि शिप्स के अंदर यूज़ होता है। अगर आपने वो कार्टून देखे हो बचपन में, वो पोपाय द सेलर मैन, आपने देखे हैं किसी ने? उसमें जो उसका मसल होता है ना, उसके ऊपर भी इसका टैटू उसने करवाया होता है और वो होता भी वही है। तो वहां पे ये बहुत चीज देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी शिप को रोकना होता है या किसी पॉइंट के साथ लिंक करना होता है ना, इसे गिरा देते हैं नीचे। ये क्या करता है? अपनी शिप को उस पॉइंट के साथ लिंक करवा देता है। तो यहाँ पे भी इसका इसी तरह का काम होता है कि ये हमारे पेज को किसी नए पेज के साथ लिंक करवा देता है। जैसे ही क्लिक करें हम जंप करके वहाँ पे चले जाते। अब इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि हाइपरलिंक की डेफिनेशन किस किस को याद है अभी तक, या अभी सोच रहे हैं कि ये क्या काम करेगा? सर मुझे याद है। जी, याद है क्या काम करवाता है हाइपरलिंक? Yes, सर किसी और पेज पे जाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन अगर हम लिंक सर एक ही पेज से दूसरे पेज पे जब करना हो, जब हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो उसमें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है ना आप पे डिपेंड करेगा, आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए देना है, कोई रेफरेंस लिंक करना है, किसी पॉइंट पे किसी दूसरे को भेजना है, तो तब आप क्या करवाते हो, इसे इस्तेमाल कर देते हो। क्योंकि हम सर ये वही होता है ना लिंक, जिस तरह सर हम ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी लिखें तो आगे आता है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हियर, और आगे इंफॉर्मेशन क्लिक हियर, ये फिर वही होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारे पास आ जाता है कि अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुई तो स्टार्ट करने के लिए फॉर डाउनलोड स्टार्ट हेयर क्लिक हेयर, तो वो हमारे पास इसी तरह से जनरेट जो है वो किया जाता है। ओके सर, अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लिक हेयर फॉर गूगल। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि अभी तक ये एक आम टेक्स्ट है, इसे मैंने किसी एड्रेस के साथ लिंक करवाया ही नहीं है। ये क्या है? एक सिंपल सा एक आम जो है ये टेक्स्ट है। इसे लिंक करवाने के लिए मुझे एक एट्रीब्यूट यूज़ करनी पड़ेगी। उस एट्रीब्यूट का नाम है एच रेफरेंस, कि इस रेफरेंस के साथ इसे लिंक करवा दे। एच रेफरेंस के अंदर आके हमने लिखना है https://www.google.com। अगर आपको एड्रेस याद नहीं है आप किसी भी चीज़ का एड्रेस कॉपी करके भी पेस्ट करवा सकते हो। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे अगर कॉपी करूँ, इस कंट्रोल ए कंट्रोल सी इस कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट करवा सकता हूँ। अगर याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, मुझे याद था तो मैंने खुद ही लिख लिया। अब मैं इसे सेव करवाता हूँ। अब मैं इस यहाँ पे आके अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें इसका कलर भी जो है थोड़ा चेंज हो गया है, और ये इसके नीचे लाइन भी आ गई है। इसका कलर चेंज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ये साथ ही अभी विजिट कर लिया है गूगल, और सुबह भी मैंने विजिट किया था, इसीलिए इसका कलर जो है वो इस तरह से पर्पल हो गया, क्योंकि पर्पल इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये लिंक ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। अगर आपने कभी भी गूगल ओपन नहीं किया तो आप ये गूगल के लिए बनाओगे तो ये ब्लू कलर का ही शो करेगा, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ ऑलरेडी विजिटेड है। जैसे ही मैं इसके ऊपर देखें क्लिक करता हूँ, ये मुझे गूगल के ऊपर ले जाता है।
अपने पेज से हट जाता है और किस पे ले जाता है, गूगल के ऊपर मुझे शिफ्ट करवा देता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ गूगल के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे जिस मर्जी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे आके ये वाला जो टेक्स्ट है ये मिटा देता हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा मिटाना चाहिए, एक अच्छी अप्रोच है या नहीं? नो सर, सर नहीं रेस करना चाहिए, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हम जो वो टेक्स्ट है वो हाइपरलिंक हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी होती है कि यूज़र एक्सपीरियंस पे आप यूज़र को प्रॉपर इंडिकेट कर रहे हो कि इस लिंक पे क्लिक करने से आखिर होगा क्या। ऐसा ही नहीं है कि पीछे आप कोई ऐसा लिंक लगा दो जो यूज़र के लिए ख़तरनाक है और यूज़र को कह दो क्लिक हेयर। एक अच्छी वेबसाइट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है, क्लिक हेयर फॉर गूगल। अगर आप किसी और जगह पर जाओ तो अक्सर ऐसे लिखा होता है। Your downloading is about to start. If it does not, then के आगे क्या लिखा होता है, वही जो जुबैर का क्वेश्चन भी था, लिखिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल कट किया मैंने, मैं इसके अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ। अंदर पेस्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं, मैंने उसी पैराग्राफ के अंदर ही इसे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे आके मैं देख लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे ये गूगल वाली इंफॉर्मेशन मिटानी पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर। इसके पीछे लिंक जो है वो कोई भी हो सकता है, अभी मैंने गूगल का लगाया हुआ है, आप फेसबुक का लगा सकते हो, कोई भी लिंक लगा सकते हो, मैं आपको लिंक चेंज करके भी दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये फिर भी मुझे क्या कर रहा है, गूगल पे लेके जा रहा है। इसी तरह मैं पीछे कोई डाउनलोड लिंक लगा सकता हूँ किसी भी जगह का, जैसे कि HTTPS FBR वाला जो है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा अपने पास यहाँ पे आके इस पूरे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल V चेंज कर दें। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, बाकी अब मैं बेशक मिटा देता हूँ क्योंकि हमें समझ आ गई है कि यूज़र इंडिकेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है ताकि यूज़र को पता रहे कि आखिर क्लिक कर क्यों रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ क्लिक हेयर और FBR पे चला। अब एक और चीज़ है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से किसी ने पहले क्वेश्चन भी किया था कि सर ऐसा होता कि हम लिंक पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाता है। yes, होता sir. है ऐसे NTPS की वेबसाइट पे, PPSC की वेबसाइट पे, अक्सर जगहों पे लगा होता है, आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो वो अगले टैब के अंदर वो एप्लीकेशन ओपन होती है, उसी टैब में नहीं ओपन होती। ठीक है, वो चीज़ कैसे अचीव की जाती है, उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल होती है। जी स्क्रीन मेरी शेयर स्टिल है या सबको नजर आ रही है सही तरह से? सही नजर आ रही है, सही है, ठीक है। अच्छा आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोग क्या है बचपन से जो है वो यूज करते आए हैं, क्या कहते हैं उसे, गूगल। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि गूगल के अंदर चीजें उधर ही शो होती हैं या नेक्स्ट ऐप में, तो क्या आंसर देंगे? उधर ही शो करता है। तो इसका आंसर यह है कि उधर ही शो होती हैं, गूगल इसे इधर ही शो करवाता है, नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं करता। ये देखिए मैंने एक लिंक पे क्लिक किया, उधर ही ओपन हो जाता है। पर अगर गूगल करवाना चाहता तो करवा सकता है, और हम अगर कोई यूज़र ज़बरदस्ती चाहे वो भी करवा सकता है, जैसे कंट्रोल से। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ज़बरदस्ती नए टैब में चीज़ें ओपन हो रही हैं। देखिए ये भी आप कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके चीज़ों को विजिट करो या राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो या ओपन इन न्यू टैब आप कर सकते हो। ठीक है,
ये तब होता है जब हमने एक ही पेज से ज़्यादा चीज़ों को रीड करना हो, तो हम सबको अलग अलग ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए और हम सबको जो है वो रीड कर लें। अब यही चीज़ जब हमने अपने पास करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगी। उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं 1, 2, 3, 4। अब वैल्यू जो यूज़ होगी वो होगी ब्लैंक। मैंने इसकी टारगेट और वैल्यू क्या दे दी, ब्लैंक दे दी। इसे सेव कर दिया, नए पेज पे आया, रिफ्रेश किया, अभी तक आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा। पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा पेज उधर का उधर ही है, ये वाला पेज अगले टैब में ऑटोमेटिकली ओपन होगा। क्या हुआ कि मेरा जो पेज है इस पर क्लिक किया अगले टैब में, जब जब क्लिक करूँगा चीज़ें अगले टैब में ओपन होंगी, इसी टैब को चेंज नहीं करेंगी। इसकी दो तीन वैल्यूज़ जो हैं और भी हैं, जैसे कि आपने देखा है कि टॉप है, पेरेंट है, पर टॉप और पेरेंट का यूजेज हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए एक आई फ्रेम का टैग भी यूज़ इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह हम अगर सेल्फ़ की बात करें तो सेल्फ़ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी टारगेट की वैल्यू सेल्फ़ ही होती है। देखें, सेल्फ़ लगाने से मुराद है अपने पेज के ऊपर ही ओपन हो जाना। तो क्लिक करेंगे अपने पेज पे ही ओपन हो गया, तो हम सोचते हैं कि पहले भी तो ऐसा ही हो रहा था, तो सेल्फ लगाने का हमें एज सच कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हम क्या कर सकते थे, हम इसे वैसे खाली भी छोड़ दें। मैं इसे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, सेव। तब भी वही हो रहा है और सेल्फ लगाने के बाद भी वही हो रहा है। तो सेल्फ़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, ब्लैंक की। अब ये जो वैल्यू है, ये जो टारगेट है, ये हमें पहले से तयशुदा है, हम उसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये क्या है, ये पहले से तयशुदा चीज़ें हैं तभी हमने यूज़ की हैं। अगर पहले से तयशुदा ना होती तो हम इसे यूज़ ना करते। जी ज़ोया इसहाक। सर, हम लोग एक ही एट्रीब्यूट में ज़्यादा सारी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर आपने पहले हम करवाया ना कि हम लोग इधर क्लिक करें तो ये सर लिंक बन जाता है, तो सर उसी आपने एट्रीब्यूट में आगे जो है वो टारगेट वाला करवा दिया कि ये ब्लैंक को नेक्स्ट पेज में ओपन हो। जी बिल्कुल ठीक है आपका सवाल है। तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल हम एक ही टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स असाइन करवा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी इंसान की एट्रीब्यूट्स क्या हैं तो वो ज़्यादा हो सकती हैं। अब मेरी एट्रीब्यूट क्या हो सकती है, अगर आप पूछें या कोई भी इंसान आपसे पूछे कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपकी, तो आप क्या क्या बताएंगी, क्या होती हैं एट्रीब्यूट्स? जी ज़ोया, क्या बताएंगी आप अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? सर ज्यादा सारी होती हैं। सर नेम बता सकते हैं, रेजिडेंसी बता सकते हैं, डिफरेंट इस तरह बता देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी की सारी आपके एट्रीब्यूट्स में आ सकते हैं। तो जब एक इंसान की मल्टीपल हो सकती हैं तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स भी होती हैं जो जेनेरिक होती हैं, जो हर टैग के साथ लग जाएंगी, ठीक है। जनरल एट्रीब्यूट्स भी आएंगी जो किसी भी टैग के साथ लगाई जा सकती हैं और आगे चल के हम लगाएंगे भी। वो हम पी को भी लगा सकते हैं, वो हम हेडिंग को भी लगा सकते हैं, हम इसी तरह से एंकर को भी लगा सकते हैं, हम किसी को भी लगा सकेंगे, वो जेनेरिक होंगी। कुछ होंगी जो मैंडेटरी हैं। अब इसके अंदर HRF मैंडेटरी है पर टारगेट मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लगाता तो कोई फ़र्क नहीं ऐसा पड़ जाएगा, पर HRF नहीं लगाऊंगा तो मेरा जो लिंक है वो जनरेट ही नहीं होगा, वो क्या होगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका फर्क है। जी समारा। ये मेरा अप्लाई नहीं हो रहा, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे एट्रीब्यूट वाला? ये एट्रीब्यूट इसीलिए सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि पहले आप सब लोग जो है ना वो लेक्चर सुने, साथ साथ प्रैक्टिस ना किया करें, पहले लेक्चर सुने, देखा करें, अपने पास कॉपी पेंसिल से नोट किया करें, लेक्चर एंड होने के बाद उसे अप्लाई किया करें, तब आपको सही समझ आएगी। इस तरह आप पहले लिखने लग जाते हैं, मैं बोल रहा होता हूँ तो फिर वो समझ इसीलिए ठीक तरह से नहीं आती।
तो पहले सुना करें और फिर किया करें। अब क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक अटैग है, एक अटैग किसे रिप्रेजेंट करता है, एंकर को, और हमारे पास इसे क्या बन जाता है, एक लिंक जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी जो मेजर और मैंडेटरी एट्रीब्यूट है वो एचरेफ की है। एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या होता है कि एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाए, इक्वल का साइन, फिर कोटेशन मार्क्स और अंदर वैल्यू लिखी जाए उसकी। हमने क्या किया, एट्रीब्यूट का नाम है एच रेफरेंस, एच रेफ उसकी इंडिकेशन है, कंटेन्स अ यूआरएल एंड यूआरएल फ्रेगमेंट दैट कंटेन हाइपरलिंक पॉइंट्स टू, कि हाइपरलिंक ने कहाँ पॉइंट करना है वो हम इसके अंदर बताते हैं। इक्वल डाला कोटेशन मार्क, उसके अंदर वैल्यू में मैंने लिख दिया कि https fbr.gov.pk, पूरा एड्रेस लिखना होता है, आप https नहीं लिख रही इसीलिए भी मसला आ सकता है। www भी लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, अप्रोच होती है, नहीं भी लिखें तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि अब हम लोकल होस्ट से लाइव पे जा रहे हैं तो इसीलिए हम अगर पूरा लिखें तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। https से शुरू करें और पूरा एड्रेस लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लिक हेयर, जो भी हमारा कॉन्टेंट है और ये एंकर एंड, हम जाके देख लेते हैं कि हमारे पास लिंक सही तरह वर्क कर रहा है या नहीं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये विजिट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसका ये छोटा सा इंट्रो है, अगर टारगेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक ही पेज के ऊपर नेविगेट कर रहे होते हैं, क्या ऐसा देखा है किसी ने? मैं आपको उसकी एक डेमो दे देता हूँ। यासीन आपको क्वेश्चन एक मिनट में लेता हूँ। कैसे होता है कि आपके पास एक पेज है, पेज के ऊपर पूरा कंटेंट है, बहुत लेंथी सा कोई पेज है, आपके पास यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, एक लिंक है इसी तरह से हाइपर टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करते हो ना, आप किसी नई विंडो पे नहीं जाते, आप इसी पेज पे नीचे आ जाते हो। कैसे, कभी देखा है किसी ने किसी वेबसाइट पे लगा हुआ? जी सर, आप लोग ऐसी चीजें नहीं देखते हैं, क्या मैं ही देखता रहता हूँ बस? जी सर, व्हाट्सएप पे तो सर वो एक होता है, जब मैसेजेस हम रीड करते हैं तो वो हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल, अब वो क्या होता है, वो उसी पेज पे हमें नीचे ले आता है। अब मैं यस सर, बिल्कुल नीचे ले आता, बिल्कुल ऐसा होता है। तो हमारे पास वेबसाइट्स में भी ऐसा होता है। अब ये देखें, एक पूरी लेंथी वेबसाइट है ना, क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करें नीचे आ जाए, यहाँ पे तो वो बटन जो है वो नहीं लगे हुए अभी फिलहाल, मेन्यू नहीं बनी हुई। वैसे होता है डिफरेंट जगह पे कि हमारे पास ऊपर एक ऐसी मेन्यू होती है जिस पर क्लिक करें और हमारे पास नीचे ले आता है। अगर मैं आपको वो दिखा सकूँ तो आपको पता लग जाएगा ऐसी चीज़ें। अब आइंदा से, क्योंकि अब आप डेवलपर बनने के लिए आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें देखा करनी है ताकि आपको फ़र्क जो है वो भी समझ आता रहे चीज़ों। ये भी उस तरह की एग्जांपल नहीं है। खैर, हमारे पास ये सिनेरियो भी होता है कि आप एक ही ऊपर बटन होता है या नीचे होता है, आप जैसे ऊपर चले जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल बहुत अच्छी दी है, बटन पे क्लिक करते हैं बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, उसी पेज के ऊपर रहते रहते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स पर भी होता है कि एक बटन पर क्लिक करें इधर आ जाता है, उसी के साथ एक दूसरा लिंक होता है उस पर क्लिक करें तो थोड़ा सा नीचे आता है। सेक्शंस बने हुए होते हैं एक ही पेज के ऊपर, तो हम इस तरह से भी नेविगेट इसी की मदद से करवा सकते हैं, एक ही मदद से ही यहीं पे हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। पर उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक नई एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, पर हम कर ज़रूर सकते हैं, हम देखेंगे कैसे करते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को मेल भिजवानी है, आप एंकर टैग की मदद से मेलिंग एड्रेस भी बना सकते हैं। देखें, अक्सर ऐसा होता है मेल लिखी होती है, उस पर क्लिक करें तो वो क्या करता है, मेल जाने लगती है, ये भी हो जाता है, वो भी इसी टैग से होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे अपने पेज पे भी लिंक करवा सकते हैं, एक्सटर्नल पेज पे भी लिंक करवा सकते हैं।
अपने पेज पे जब करवाते हैं तो आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखते, सिर्फ उस फाइल का नाम लिख देते हो, जैसे कि आप लिख देते हो सिंगल डॉट एच टी एम एल। अगर सिंगल इसी फोल्डर में पड़ी हुई है तो आपका पेज उस तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, या मैं लिख लेता हूँ पॉइंट टू डॉट एच टी एम एल। अब मेरे पास ये फाइल है नहीं, मैं आपको फाइल बना के दिखा देता हूँ, न्यू फाइल। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, B3 इधर पॉइंट टू। मैं खुद भी लिख सकता हूँ, मैं नीचे से भी चूज़ कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है। पॉइंट टू डॉट एच टी एम एल यहाँ पे सेव है कि ये हमारा सही तरह लिंक किया है। पहले तो एक दफ़ा डबल चेक कर लें कि फ़ाइल अवेलेबल है भी कि नहीं, क्योंकि फ़ाइल नहीं होगी तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है लिंक हो ही नहीं सकता। B3 इवनिंग, ये देखें। अब मैंने इसे मिटाया एक मिनट के लिए, मैंने कंट्रोल प्रेस करके स्पेस प्रेस किया, मुझे उसने बताने लगे कि ये दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैंने इससे चूज कर लिया। अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ क्लिक हियर। देखें इस पे मैं लिख गया तो पॉइंट टू फाइल, पॉइंट टू फाइल पे आ गया। ये देखें ऊपर URL पे देखें चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट टू डॉट एच टी एम एल। पहले क्या था, पहले ये था, क्लिक किया अब क्या हो गया पॉइंट टू डॉट एच टी एम एल। इसी तरह आप इसे कहीं पे भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो, लोकल ग्लोबल अपनी किसी भी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसे बासानी रिडायरेक्ट जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करवाना भी है और इसी तरह से इसका जो इस्तेमाल है मैं आपको भी एक छोटी सी प्रैक्टिस भी बताऊंगा, वो आप लोगों ने कर। ठीक है, इस चीज़ को आज के लेक्चर को हम जो है वो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कल तक जो प्रैक्टिस की है, अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी है, आज आपने क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स पड़े हैं आपने उन सब टैग्स को अपने इंफॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। जैसे आपने हॉबीज़ वगैरह लिखी हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सारी लिखी हैं, हेडिंग यूज़ की हैं, सब हेडिंग यूज़ की हैं, उसकी जगह पे वो भी यूज़ करनी है। उसके साथ साथ आपने इस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करना है जिससे प्रैक्टिकली लगे कि आपने ये चीज़ें इन टैग्स की मदद से इस्तेमाल की हुई हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, अपने ट्विटर प्रोफाइल को, जितनी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने लाहौर का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैप से लिंक कॉपी किया वो वाला लिंक डाल दिया लाहौर का या सरगोधा का, जो भी है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अपने काम पे छोटी सी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करने के बाद आपने ग्रुप में इसी तरह दिखा सकते हैं आप लोग काम, पर जो असाइनमेंट होगी वो आपकी LMS पे एक प्रॉपर बनेगी और वहीं पे जो है चेक हुआ करेगी, उसके मार्क्स वगैरह भी लगते हैं।